बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी जुबान है जिसे सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है? सही जवाब है अरबी जुबान। वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा कबूल होती है? सही जवाब है मजलूम की, बाप की बेटे के हक में और मुसाफिर की। वो कौन सी तीन चीजें हैं जो गम को दूर कर देती हैं? सही जवाब है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के दोस्त या नेक लोगों से मुलाकात और दाना लोगों की गुफ्तगू। वो कौन सी दो अजाने हैं जिनके बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? सही जवाब है बच्चे की पैदाइश के वक्त और मुसीबत में दी जाने वाली अजान। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान की कौन सी सूरत मुबारक सुनकर मुसलमान हुए? सही जवाब है सूरह ताहा। वो कौन सी नमाज है जिसमें एक रकत में दो की बजाय चार सजदे करते हैं? सही जवाब है वो नमाज जिसमें सजदा सहव किया जाए, उसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपना गुजर औकात कैसे करते थे? सही जवाब दिहाड़ी पर काम करके। कुरान और हदीसे कुदसी में क्या फर्क है? सही जवाब है कुरान हमेशा बेदारी की हालत में नाजिल हुआ और अल्फाज भी अल्लाह के, जबकि हदीसे कुदसी ख्वाब में भी आई और मजमून अल्लाह का और अल्फाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। किस जानदार का पेशाब पाक है? सही जवाब है चमगादड़ का। जमीन पर मौजूद सबसे नापसंदीदा जगह कौन सी है? सही जवाब है बाजार। दीने इस्लाम के मुताबिक हम नशीन या दोस्त कैसा होना चाहिए? सही जवाब है अच्छा दोस्त वो जिसे देखने से आपको खुदा याद आ जाए और उसकी गुफ्तगू पर तुम्हारे अमल में ज्यादती हो और उसका अमल तुम्हें आखरत की याद दिलाए